दोस्तों आप सभी लोग स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये जादू है जिनका तो जरूर देख ही रहे होंगे। जादुई प्रेम कहानी पर आधारित ये शो तकरीबन हर घर में पसंद किया जा रहा है। शो में नजर आ रहे हर कलाकार के अभिनय को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। इस शो में अमन यानी विक्रम सिंह चौहान और रोशनी यानी अदिति शर्मा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 अभिनेताओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अमन खान के रोल को निभाने से मना कर दिया, जिसके वजह से ये रोल बाद में विक्रम सिंह चौहान को मिल गया। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 अभिनेता जिन्होंने इस रोल को निभाने से साफ मना कर दिया। नंबर 5 सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला को अमन खान का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त वो बिग बॉस सीजन 13 को साइन कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने शो का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया। नंबर 4 अंकित महान। अंकित महान ने अपने करियर की शुरुआत MTV रोडीज 4 में बतौर प्रतियोगी में हिस्सा लेकर की थी, लेकिन इन्हें खास पहचान सीरियल महाभारत में अस्थामा की भूमिका निभाने से मिली। बता दें अंकित को भी अमन खान का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन ये पहले ही सीरियल हैवान का हिस्सा बन चुके थे, इसीलिए अंकित ने भी इस शो का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। नंबर 3 अर्जुन बिजलानी। अर्जुन बिजलानी ने बालाजी टेली फिल्म्स के शो कार्तिक से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अर्जुन को टीवी इंडस्ट्री में मजबूत पहचान नागिन में काम करने से मिली है। बता दें मेकर चाहते थे कि अर्जुन अमन खान का रोल करे, लेकिन अर्जुन अपने बाकी प्रोजेक्ट के साथ काफी बिजी थे और जिस वजह से उन्हें मेकर से मना करना पड़ गया। नंबर 2 शिविंग नारंग। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता शिविंग नारंग को भी शो के मेकर्स ने अमन खान बनने का ऑफर दिया था और उस वक्त शिविंग इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उस वक्त उनके पास एक और प्रोजेक्ट था और वो था बेहद 2 का, और शिविंग ने बेहद 2 का ऑफर स्वीकार कर लिया। नंबर 1 नकुल मेहता। सीरियल इश्कबाज के फैम नकुल मेहता को भी अमन जुनैद खान का रोल ऑफर हुआ था और मेकर्स भी काफी उत्साहित थे कि नकुल ही अमन खान का रोल निभाएंगे, लेकिन नकुल नहीं चाहते थे कि वो सुपर नेचुरल जैसे शो में काम करें, इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनकार कर दिया। दोस्तों आपको विक्रम सिंह चौहान अमन खान के रोल में कैसे लगते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।